हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला क्वीन। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए ज़बरदस्त स्नैक्स, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, वो भी चावल से। तो दोस्तों, आप बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए ये क्या है। तो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कैसे हो बताइएगा, और आशा करते हो बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। तो दोस्तों, यहाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है चावल का आटा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और यहाँ लिया है ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो दोस्तों, ये बनाना बहुत ही आसान है। चावल के आटा से ज़बरदस्त स्नैक्स बना सकते हैं, और चाय के साथ खा सकते हैं, और जब भी मन हो खा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को गैस पे रख दिया है, और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब डालेंगे हल्का सा नमक, तो नमक डाल दिया है, हल्का सा ऑयल। तो दोस्तों, ऑयल डालने के बाद थोड़ा देर तक हम इसे उबाल आने देते हैं, और अच्छी तरह से चम्मच से थोड़ा सा मिला देते हैं, ताकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, हल्का सा गर्म हो चुका है पानी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चावल का आटा, जो कि हमने लिया था। तो अगर आप चाहते हैं तो चावल को मिक्सर के जार में डाल के हल्का सा पानी मिला के थोड़ा सा मिक्स करके पीस लीजिए। बहुत अच्छा सा एक आटा बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ चावल का आटा डाल दिया, थोड़ी देर तक इसे पका लेते हैं। तो ये क्या है ना, खुद ब खुद ये टाइट हो जाएगा और बिल्कुल ही पानी सोख लेगा। तो दोस्तों, आपको जैसे कि दिख रहा होगा, बिल्कुल आटा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है पानी के साथ, और पानी भी अच्छी तरह से सोख चुका है। तो अब ये गैस को ऑफ कर दे रहे हैं हम, रख देते हैं थोड़ी देर, ठंडा हो जाने देते हैं। तो दोस्तों, ये ठंडा हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्लेट पे निकाल लिया। हल्का सा ऑयल डालेंगे 1 चम्मच के करीब, और हाथों की मदद से इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों, ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है मिक्स करने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। तो देखिए, मैंने डो लगा दिया है, अब रख दिया साइड। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, और उसमें ब्रश की सहायता से या फिर हाथ से भी, जैसे भी हो, ऑयल लगा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, मैंने चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया है। अब हम इसका छोटे छोटे लोई बनाएंगे। तो लीजिए, आपको दिखा रही हूँ कैसे। तो इस तरीके से हम छोटी लोई बनाएंगे, और एक अंगुली की मदद से इसमें ऐसे थोड़ा सा होल कर देंगे, जैसे कि पेड़ा होता है ना, वैसे ही। तो इस छोटे छोटे पेड़ा की शेप में हम बना लेंगे। तो मैं छोटा छोटा पीसेस में बना रही हूँ, आपको जितना जैसा शेप चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, आप बना सकते हैं। तो छोटे छोटे पीसेस में मैं पहले बना लेती हूँ दोस्तों। तो लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से ये बन चुका है। तो कितना सुंदर दिख रहा, लग रहा पेड़ा है, पर पेड़ा नहीं है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर एक पेन लिया है, उस पर एक स्टैंड रख दिया है, और ये प्लेट को रख देती हूँ इसके ऊपर, और इसे ढक देती हूँ। तो स्टीम कर लेंगे थोड़ी देर इसे। तो दोस्तों, इस तरीके से थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए आप इसे, और 8 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर आप देखिए। तो देखिए, हमारा जो है काफ़ी अच्छा तरीक़े से ये बन चुका है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, देखिए। मैंने यहाँ पे पैन को गर्म कर लिया, इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, हल्का सा डालेंगे साबुत जीरा, थोड़ा सा ये होने के बाद डालेंगे मस्टर्ड सीड, मतलब राई का दाना, हल्का सा हरी मिर्च, और कर देंगे मिक्स। तो थोड़ी देर इसे पका लेते हैं दोस्तों। इसे पकने के बाद, पहले पका लेते हैं, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता, जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, और इसे भी थोड़ी देर तक पका लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे भी अच्छी तरह से ये पका लिया है, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से सारे पक चुके हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं जो हमने बना के रखा है। तो ये मैंने चावल के आटे से जो बनाया था उसे डाल दिया है, और कर देते हैं मिक्स। तो मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसे पका लेते हैं, बिल्कुल आराम से मिक्स करें। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, और बहुत ही सुंदर भी और टेस्टी भी दिख रहा है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, बिल्कुल स्वाद अनुसार, जितने मात्रे में भी आप बनाओ उतने मात्रे में मतलब नमक डालो। उसके बाद डालेंगे हल्का सा कोकोनट पाउडर, हल्का सा बिल्कुल।
उसके बाद कर देंगे मिक्स, ताकि अच्छे तरीके से सारे में मिक्स हो जाए दोस्तों। तो ये मिक्स हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब इसमें डाल देते हैं कलर के लिए टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी पाउडर। तो दोस्तों हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने, और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो कलर काफ़ी सुंदर हो चुका है, जो हमारा वाइट था येलो हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये स्नैक्स घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है। अब हल्का सा हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, जो कि पहले ही मैंने बताया था हल्का सा लिया था। उसके बाद मिक्स कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आज एंजॉय कीजिए चावल के आटे के बने स्नैक्स के साथ, ये काफ़ी आसान है दोस्तों। बिल्कुल सिर्फ एक चावल का आटा चाहिए, जो कि घर पे मौजूद रहता है हमारे घर में चावल, उसे आटा बना लीजिए मिक्सर में डाल के, और आराम से ये स्नैक्स बना सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी टेस्टी है, जब भी भूख लगे फटाफट बनाइए और खा लीजिए। तो दोस्तों आज मज़े कीजिए आप इसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय, खूब खाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।